नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों में दिखाऊंगा रवा डोसा कैसे बनाते हैं। रवा डोसा तो आप लोग, सबसे पहले हमने सूजी ली है, थोड़ा सा हम मैदा लेंगे, जीरा पाउडर है, हल्का सा शुगर पाउडर, शक्कर है, और हल्का सा हम कर्ड डालेंगे इसमें के लिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये हम सूजी डाल रहे हैं, सूजी रवा, जो रवा होता है सूजी रवा है। और देखिए, और ये हमने मैदा डाला। इसमें हम सूजी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा करेंगे, मैदे की थोड़ी सी कम करेंगे, तो 50% नहीं लेंगे हम, 40% मैदा लेंगे, 50% सूजी लेंगे। ये थोड़ा सा हमने इसमें जीरा पाउडर डाला, और ज़रा सी हमने ये डाला, शक्कर डाली, और थोड़ा सा हम सॉल्ट डालें डाला है, ये सॉल्ट डाल दिया है, और थोड़ा सा हम इसमें दही डालेंगे हल्का सा खट्टापन के लिए। देखिए, करीब हमने इसमें 50 ग्राम कट डाला है, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी डालेंगे इस तरीके से, इतना हमने पानी ले लिया। इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरीके से इसको हम चला लेंगे। इसमें आप लोग चाहो तो ऑनियन भी डाल सकते हैं, ग्रीन चिल्ली भी डाल सकते हैं, और कोरिएंडर। तो इस तरीके से हम इसको मिला लेंगे, और 2 से 3 मिनट छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको लगाएंगे, डोसा बनाएंगे, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं कैसे बनाते हैं इसका डोसा। तो ये हमारा, हम थोड़ी सी ऑनियन डाल दी है, कटी हुई कोरिएंडर, ग्रीन चिली डाल दी है, और इसको हमने मिक्स कर लिया है, और आप लोगों को दिखाते हैं। और आप लोगों की डिमांड के ऊपर है, आप चाहो तो ऑनियन इसमें मिला सकते हैं, कोरिएंडर, ग्रीन चिली मिला सकते हैं, नहीं चाहो तो मत मिलाइए। और ये हमारा घोल तैयार है, अब इसको हम डोसा बनाएंगे। इतना पतला होने चाहिए इसका घोल ये, क्योंकि घुमा के नहीं लगाते इसको, हम भट्टी पे कैसे डालते आप लोगों को दिखाएंगे। इतना पतला होने चाहिए रवा डोसे का घोल, तो बड़ा इजी है, और आप लोगों को दिखाते कैसे बनाएंगे। इस तरीके से डालना है, ये इस तरीके से हम रवा डोसे के लिए डालेंगे, घुमाते नहीं है, तो बाद में हम सेब में लेके आएंगे, और पत्ता भी करेंगे, कैसे दिखाएंगे आपके लिए कैसे करेंगे, तो वीडियो देखते रहिए, पूरा दिखाएंगे कैसे बनेगा। बहुत इजी है, और तवा अगर सेट नहीं है तो आपको उसमें थोड़ा सा बटर लगा के, पानी के छींटे मार के, और थोड़ा सा डाल के निकाल के देख लें, फिर पूरा डालें ना, तो तवा खराब हो जाएगा आप लोगों का। और बाई चांस आपका तवा खराब हो भी जाता, उसमें चिपक रहा है, तो आप लोग ऐसा करिएगा कि इसके ऊपर ऑनियन डाल दीजिए, थोड़ा सा ऑयल या बटर डाल दीजिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, जैसे ऑनियन ब्राउन हो जाए उसको हटा के तवा पर थोड़ा सा पानी लगा के साफ करके, फिर थोड़ा सा बटर लगा के, फिर आप लगाइए, आपके डोसा परफेक्ट निकलेंगे। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। ये देखिए, हमने निकाल दिया, साइड साइड का हम हटा देंगे, और डोसा हमारा बिल्कुल शेप में आ जाएगा। इस तरीके से देखिए निकल रहा है ना, अभी पका नहीं है, सिर्फ इसका हम वो दिखा रहे हैं आपको कैसे। देखिए आसानी से निकल गया ना, तो आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल रहा है, ये देखिए। तो हम उसको पतला भी करेंगे, वो भी दिखाएंगे किस तरीके से, जो मोटी परत है उसको हम हटा देंगे थोड़ी सी, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर लगा देते हैं। ये हमने बटर लगा दिया, थोड़ा आराम से पकने देते हैं,
और आपको ऑनियन डोसा खाना है, ग्रीन चिली डोसा खाना है, तो आप इसके ऊपर की ऑनियन और वो आपको बताया मैंने कि मिक्स कर दीजिए, अगर मिक्स नहीं करा है तो ऊपर से भी डाल सकते हैं। और इसका आप लोगों को एक मसाले की रेसिपी भी दूंगा कि इसका आलू वाला जो मसाला होता है भाजी कैसे बनाते हैं, और एक तड़का भी बनता है उसकी रेसिपी हम आप लोगों को देने वाला हूँ। और सांभर की मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ तो आप लोग देख सकते हैं, तो आपको हम सांभर की रेसिपी दे चुका हूँ, उसमें आपको डाल चुका हूँ वीडियो, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आप लोगों की मैं लिंक दे दूंगा। ये रवा मसाला डोसा हमारा रेडी है, आप लोग देखिए कितने आराम से निकल गया, ये देखिए। और ये देखो क्रिस्पी होता है, खाने में बहुत मजा आता है, तो आप लोग जरूर ट्राई करिएगा इसको। ये देखिए बहुत क्रिस्पी होता है इसका, देखिए वाव क्या कितना क्रिस्पी डोसा निकला, तो आप लोग देख सकते हैं ये देखिए। और चलिए आपका अब इसका हम दिखाते हैं, ये आप लोग देखिए। अब इसके साथ हम चटनी, वाइट चटनी है ये, और ये रेड चटनी है, और अब इसके ऊपर एक गार्निशिंग करेंगे हम। देखिए ये तड़का डाल दिया हमने, ये देखिए ये चटनी की गार्निशिंग है। ये तड़के की रेसिपी जो हमने बताई कि आप लोगों को इसकी हम देंगे। और ये सांभर है, डोसा बड़ा हो गया है, प्लेट छोटी हो गई है, तो हम ऐसे ही रख देते हैं अभी। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, और आप लोग खा सकते हैं। मसाला डोसा और इसकी रेसिपी आप लोगों को मैं बता चुका था कि कैसे बनाया, पूरा दिखाया है, तो जरूर ट्राई करिएगा। और हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इस तरीके की रेसिपी आप लोगों को मैं देता रहूँगा। और थैंक यू, धन्यवाद।